नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और 4.5 साल के मोदी काल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूं आपके साथ मैं मनीष पांडे। विपक्ष का वार झेलते हुए 4.5 साल के मोदी काल में भारत ने कहां कहां किस तरह लहराया है अपना परचम, यही हम जानेंगे आज हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मोदी काल कामयाबी के 4.5 साल। 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में पिछले दिनों 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी महाध्यक्ष थे। इसी बात से एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, मतलब साफ है 4.5 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान काफी मजबूत हो चुकी है। यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत की बड़ी जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों के साथ भारत बना यूएन मानवाधिकार परिषद का सदस्य। 97 वोटों की आवश्यकता थी, भारत को मिले 188 वोट। नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 192, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी 97। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ईच मेंबर स्टेट एज फॉलोज। India 188, Fiji 187, Bangladesh 178, Bahrain 165, Philippines 165। चौथी उपलब्धि, 1,00,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन, और जाहिर है ये है एक चाय बेचने वाले का अर्थशास्त्र। नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है भारत। 2017-18 में दोगुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन, चीन और अमेरिका भी दंग हैं। भारत की जीडीपी दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है, जिसको देखकर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी दंग हैं। भारत की जीडीपी 8.2% है, तो वहीं चीन की जीडीपी 6.7% है, तो वहीं अमेरिका की जीडीपी 4.2% है। जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। निश्चित ही हर भारतीय को गर्व होगा इस बात को सुनकर। 70 सालों में पाकिस्तान को कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी सरकार के आते ही पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई के व्यापार का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जिसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। 2014 में एके एंटनी ने कहा था कि देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या एक छोटा सा जेट भी नहीं खरीद सकते। मोदी सरकार के आते ही ईरान का कर्ज भी चुकता हो गया, राफेल डील भी हो गई और हम 400 राफेल खरीद भी रहे। आखिर इससे पहले देश का पैसा जाता कहां था, सोचने वाली बात। 70 सालों में पहली बार देश की सेना को मिली बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सुरक्षा कवच। जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2,500 बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो। और पिछले 4.5 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा सुधार हुआ है। 2017 अगस्त में ही फ्रांस को पीछे छोड़कर 6वें पायदान पे आ बना है भारत। इसके साथ ही ऑटो मार्केट में भी जर्मनी जैसे तकनीकी संपन्न देश को पीछे छोड़कर 4वें पायदान पे आ बना है भारत। और बिजली उत्पादन में भी रूस को पीछे छोड़कर भारत अब विश्व में 3रे पायदान पर है। और टेक्सटाइल उत्पादन में भी भारत का अब दूसरा स्थान है। भारत ने इटली जैसे टेक्सटाइल उत्पादक को पीछे छोड़ा है। मोबाइल उत्पादन में भी वियतनाम को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर आया है। इसके साथ ही स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भी जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व में 2रे स्थान पर आया है। और मोदी काल में कश्मीरी घाटी से भी हो रहा है आतंकियों का सफाया। लश्कर ए तैयबा के आतंकी नवीद जट को मार गिराया गया। हिजबुल से जुड़े 2 आतंकी ढेर। इसके साथ ही 9 महीनों में 331 आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया। किसी और काल में आतंकियों को दहशत फैलाते हुए देखा जाता था, लेकिन मोदी काल में सेना आतंकियों के लिए दहशत बनी हुई है। और 18वीं उपलब्धि,
चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आया है भारत। तो ये थे मोदी काल से जुड़े कुछ बड़ी उपलब्धियां। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव खबर के साथ। नमस्कार।